नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रेवा न्यायालय के द्वारा नाबालिग छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 21 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय के द्वारा मात्र 6 माह में यह फैसला सुना दिया गया, जिसमें आरोपी को 21 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। लोक अभियोजक रविंद्र सिंह ने बताया कि रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में मार्च 2022 को सागर निवासी आरोपी स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा का अपहरण किया था। आरोपी किशोरी को छत्तीसगढ़ ले गया, जहां उसके साथ निरंतर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता था। मामले में परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने किशोरी को छत्तीसगढ़ से दस्तयाब कर लिया और किशोरी के द्वारा पुलिस को दिए गए बयान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी सुनवाई उपरांत आज न्यायालय के द्वारा आरोपी को कठोर कारावास से दंडित किया गया है। बताया गया है कि किशोरी घर से स्कूल के लिए गई थी, लेकिन छुट्टी होने के बाद किशोरी घर नहीं लौटी। परिजनों द्वारा काफी तलाश की गई, लेकिन कोई जानकारी न मिलने पर इसकी शिकायत विश्वविद्यालय थाने में दर्ज कराई गई थी। मामले में पुलिस ने आरोपी राकेश अहिरवार, पिता नंदराम अहिरवार, उम्र 32 वर्ष, निवासी पुखियाऊ खैरी, थाना सिटी कोतवाली, जिला सागर को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ धारा 376 के साथ साथ पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले को न्यायालय के संज्ञान में लाया गया, यहां तमाम साक्ष्य दिए गए, तर्कों पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया और दुष्कर्म के आरोपी को 21 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले की पैरवी अभियोजन अधिकारी रविंद्र सिंह के द्वारा की गई थी। न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया, क्या पूरा मामला था? जैसे 25 जनवरी 2023 को माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो के द्वारा मध्य प्रदेश शासन की जो चिन्हित कुछ जो जघन्य एवं सनसनीखेज मामले हैं उनको चिन्हित किया जाता है, उसी चिन्हित श्रेणी का एक मामला था मध्य प्रदेश शासन विरुद्ध राकेश अहिरवार, जिसमें 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 का अपराध था, जिसमें माननीय न्यायालय ने आरोपी राकेश अहिरवार को 21 पॉक्सो अधिनियम में 21 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा दी है और 376 में 11 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है। साथ में उसमें जो पेनाल्टी है वो भी साथ में दिया है, मतलब अर्थदंड। मामला पूरा यह है कि 3/3/2022 को राकेश अहिरवार, जो मूल रूप से सागर जिले का है मध्य प्रदेश का, वो रीवा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत आ करके यहाँ पे मजदूरी वगैरह का काम करता था। उसने प्रोसिक्यूटर्स को अपने जाल में फंसाया, जो कि माइनर थे, और उसको लेकर के वो छत्तीसगढ़ चला गया। उसके बाद जब प्रोसिक्यूटर्स के मदर फादर उसको ढूंढे और नहीं मिले, तो उन्होंने विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में प्रोसिक्यूटर्स के गुम हो जाने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में मुखबिर सूचना और कॉल डिटेल के आधार पे पुलिस ने अपने सक्रियता के कारण पता किया कि प्रोसिक्यूटर्स को आरोपी लेकर के छत्तीसगढ़ में कहीं साथ में रखा हुआ है, और माइनर प्रोसिक्यूटर्स थी, उसको आरोपी ने दबाव में लिया था। पुलिस गई और प्रोसिक्यूटर्स को वहां से दस्तयाब करके पकड़ करके ले आई। उसके बाद प्रोसिक्यूटर्स के स्टेटमेंट लिए गए पुलिस के द्वारा कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष, तो उसने बताया कि आरोपी उसे जबरन लेके गया था छत्तीसगढ़ और उसके साथ कंटिन्यूसली रेप कर रहा था, और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके यहाँ पे जुलाई 2022 में चालान पेश किया और इसमें 3-4 महीने के अंदर हमारा जजमेंट आ गया और इसमें मेरे द्वारा मामले की पैरवी की गई। थाना विश्वविद्यालय का इसमें अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा और हमारे एसपी साहब ने भी इसमें काफ़ी मदद की, उनके माध्यम से जितने भी विटनेसेस हैं वो टाइम से आ जाते थे और उनका जो बयान वगैरह कोर्ट में टाइमली हो गया, जिस कारण से आरोपी को टाइमली सज़ा मिल गई।